I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. और गाइस ऑर्गेनाइजर्स में से एक जो है मुझे मिले हमजा भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आपका नाम हमजा? हमजा भाई, अच्छा तो अभी जो है कुछ प्रोजेक्ट्स भी अंदर पड़े हैं इनके, जो भी हम देखते हैं कि क्या है, और हमें भाई अंदर लेके जाएंगे और फिर हम देखते हैं। और बाकी आपको ऑर्गेनाइज करके कैसा लगा? बाकी आप मैं बेसिकली ऑर्गेनाइज में एग्जीबिटर हूं, मतलब प्रोजेक्ट एग्जीबिशन हमारा काम है, हम प्रोजेक्ट एग्जीबिट कर रहे हैं। वो आए, हम चलते हैं आपको प्रोजेक्ट को कुछ दिखा। अच्छा जरूर, चले चलते हैं, आ जाए। मौजूद हूँ मैट्रिक्स समिट 2022 हज़ार यूनिवर्सिटी में, और इधर जो है कुछ प्रोजेक्ट एग्जीबिशन भी है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं प्रोजेक्ट वालों से और देखते हैं उनके प्रोजेक्ट्स के वो जो है ह्यूमैनिटी के लिए क्या आसानियाँ लाएँ, और ह्यूमैनिटी के लिए वो क्या अच्छा सोच रहे हैं और क्या कर किया जा रहा है। चले चलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं और प्रोजेक्ट्स भी दिखाते हैं आपको। अच्छा तो गाइस इस टाइम जो है हम प्रोजेक्ट एग्जीबिशन में हैं, और ये मेरे सामने एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मुझे तो पता नहीं है, तो ये भाई लोग ही बताएंगे अब क्या। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन है। हसनैन, अच्छा तो आपका प्रोजेक्ट कौन सा? ये मेरा ये प्रोजेक्ट है कि जिसको मैंने टेस्ला कॉइल, तो टेस्ला था हमारे पास साइंटिस्ट, उसकी कॉइल को यूज़ करके मैंने वायरलेस पावर ट्रांसमीटर बनाया है। ऐसे हम फ्यूचर में वायरलेस कम्युनिकेशन करेंगे और वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले कही है टेस्ला कॉइल का इस्तेमाल करके वायरलेस पावर ट्रांसमीटर बनाया है। इससे हम फ्यूचर में 2060, 2050 या 2040 में एटलीस्ट आ जाएगा, तो हम डेटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, इस कॉइल को हम जो पावर देते हैं उसके दिमाग है, उसके एक भी एक मैग्नेटिक रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस क्रिएट होती है। उस अगर मैं इसके नज़दीक कोई भी एक एम्बियंट लाइट है, इसके अंदर ये लाइट ग्लो होती है। देखें ये बिल्कुल हाई फ्रिक्वेंसी पे वर्क कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें करंट महसूस नहीं हो रहा, ये 50,000 फ्रिक्वेंसी पर इस टाइम ये वर्क कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में इससे डेटा करेंगे, आप चेक कर सकते हैं। ये आपको लेकिन ये नहीं करंट है, इंशाल्लाह ये आपके बॉडी से ग्लाइड करके चला जाएगा और आपको महसूस तक नहीं होगा। ये सब जो हमारे घरों में या कई बाजारों में जो शॉर्ट सर्किट हो गए हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, हम इससे हम इंशाल्लाह बच जाएंगे और कोई डिस्ट्रक्शन तलाश नहीं होगी। गैस ऐसे ही जो है हमारे पास लोग होते हैं वो जो है अपने जो इस बात का ख्याल रखते हैं कि ऐसी चीज़ बनाई जाए कि जो फ्यूचर में भी काम में लाई जा सके, और जो है वो कोई ना कोई ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो। साइंस, आईटी, कोई भी फील्ड हो टेक्नोलॉजी की, उसका मकसद ही है कि हम लोग जो है वो ह्यूमन प्रॉब्लम को सॉल्व करें और लाइफ को बनाए। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा है, मैं हज़ार यूनिवर्सिटी बीएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूं, मेरा फिफ्थ सेमेस्टर है। आज हमने आपके लिए लाए हैं एक प्रोजेक्ट। आपने सुना होगा रिसेंटली मरीज में कुछ अमवात हुई थी, वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से गाड़ी में मतलब कुछ लोग मर गए थे। वो उसका यह था कि जो गाड़ी में हीटर उन्होंने ऑन किए हुए थे वो बाहर मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर नहीं जा रही थी, और उससे वो हुआ था कुछ लोग मर गए थे। हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें हमने यूज़ किया है गैस सेंसर यूज़ किया, हमने एक बैटरी यूज़ की है 9 वाट की हमने बैटरी यूज़ की है, और एक हमने यूज़ किया एग्जॉस्ट फैन, और इसके साथ हमने एक बज़र यूज़ किया बीप, जो आपको मतलब अलार्म क्रिएट करता है जिस टाइम आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल जिस टाइम एक्सीड हो जाता है, और एक हमने यूज़ की LED स्क्रीन। इसका बेसिकली पर्पस ये है कि जिस टाइम मतलब इस गैस के इसके अंदर जिस टाइम कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो जाती है, तो ये सिग्नल देता है अर्डिनो को, अर्डिनो से प्रोग्राम होता है उसके पास जाते ही, और ये बताते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल जो इंक्रीज हो गया। एग्जॉस्ट फैन का ये काम है कि जो मतलब अंदर जितनी भी कार्बन मोनोऑक्साइड जमा होगी उसे एग्जॉस्ट करता है, बाहर लेके आता है। प्रैक्टिकल करके देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को जमा करके हम चेक करते हैं ये काम कैसे करते हैं, हम आपको बताते हैं। ये भी आप देखें कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल स्क्रीन पे देखें, इंक्रीज होता जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल, आप इंक्रीज होता जाएगा। अभी सेफ कंट होगी तो हमारे पास डेटा ट्रांसफर होगा। ये देखें बिल्कुल डीप पावर ट्रांसमिशन, कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इंक्रीजेस, और ये हमने एक लिमिट रखी है उसके बाद ये इंक्रीज हो जाएगा। रात को ये होता है कि कुछ टूरिस्ट आते हैं या जो भी लोग घूमने जाते हैं या वो सर्दी उन्हें जिस टाइम लगती है ज़्यादा, वो रात को हीटर या कुछ सारा मतलब क्या रात को
अपने हीटर ऑन करके छोड़ देते हैं, उससे यह होता है कि उनकी मतलब डेथ हो जाती है। तो ये बेसिकली इसका पर्पज यही है। ठीक है। अच्छा गाइस, यहाँ जो है हमें कुछ और जो है प्रोजेक्ट्स मिले, तो हम इनसे बात करते हैं, नहीं पूछते हैं ये क्या है और ये क्यों है, कैसे। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम? अब्दुल हसीब। और आपका? अलीना। अच्छा, तो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं। हम लोगों ने बनाया ऑटो टैंक रिफिलर। इस तरह से होता है कि हम जो मोटर है ना वो चला के भूल जाते हैं और पानी वेस्ट होता रहता है, बंद करने का हमें, और अक्सर इस तरह से होता है कि पानी कभी ख़त्म हो जाता है और हम मोटर चलाने चाहते हैं, बिजली नहीं होती। तो इन सब इश्यूज को सॉल्व करने के लिए मैंने सेंसर यूज़ कर दिए टैंक में ना। तो इस तरह से होता है कि जब खुद ही पानी कम होता है ना, तो ये सेंसर सेंस करते हैं 10% पानी जाता है, तो ये मोटर ऑटोमेटिकली चल जाती है ना। जैसे ये 100% पे आएगा, मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। फिर से मैंने डिस्प्ले भी लगाया है जिसमें यहाँ पे पानी शो होता रहता है 10%, 20%, 30%, जी 100%। तो अभी ऑन करके अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ से अभी आप देख सकते हैं कि पानी कितना है। लाइट इन स्क्रीन शो नहीं है इसमें, ये स्क्रीन हम लोगों ने डिस्प्ले की हुई है, स्क्रीन पे शो होगा यहाँ पे। ये अभी इलेक्ट्रिसिटी वो स्विच बार बार पीछे से वो खराब इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें परसेंटेज भी बता रहे, मतलब इसका मेन ये कि हम लोग को पानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया नहीं हो रही और ये पानी गिरेगा नहीं। अक्सर हम लोग वो घरों की टंकी लगा के भूल जाते हैं कि हम लोगों ने वो पानी एक्स्ट्रा फ्लो नहीं होगा, मतलब गिरेगा नहीं, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। हमने कोडिंग इस तरह से की है ना कि 10% पे ये ऑन हो जाएगा, 100% पे ये ऑफ हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ये इनका प्रोजेक्ट है और इन लोगों ने पूछा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना। जी बिल्कुल, ये हमारा होम ऑटोमेशन सिस्टम पे हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। हम लोगों ने एक्सरे से होता है कि सर्दियों में हम लोग एक रूम से दूसरे रूम की लाइट्स ऑन ऑफ नहीं कर सकते, हम लोग एक रूम से दूसरे रूम की लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं थ्रू वाईफाई। हम लोगों ने थ्रू वाईफाई इसका कनेक्शन किया हुआ है। जैसे हम लोग ऊपर वाले फ्लोर में और हम लोग नीचे वाले फ्लोर पे बैठे हुए, ऊपर वाले फ्लोर की लाइट्स ऑन ऑफ नहीं कर सकते जाके। ऐसे अक्सर होता है कि हम लोग लेजीनेस की वजह से ऊपर नहीं जा सकते, तो हम लोग वाईफाई के थ्रू अपने ऊपर वाले फ्लोर की लाइट्स ऑन ऑफ करते हैं। सिर्फ लाइट्स तक नहीं, हम लोगों ने फिलहाल लाइट्स तक किया है। वैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जो चीज़ भी अपने डाल जाते हैं वो कर सकते हैं, फैन ऑन ऑफ कर सकते हैं, हमारे एसी हो जाए, हमारे इनफैक्ट हमारे जो डोर पे जो लाइट्स लगी हुई है उधर तक भी। जैसे वाईफाई की जो जितना होता है ना कनेक्शन वो हम लोगों ने किया हुआ है, तो हम लोगों ने इसमें चीज़ें यूज़ की हुई है। ये हमारे पास दो प्रोजेक्ट है ना। ठीक है, एक हमारे पास वाईफाई बेस कर रहे हैं, दूसरा हमारे पास सेंसर पे बेस कर रहे हैं। जो वाईफाई पे हमारे पास है तो वो थ्रू वाईफाई हमारे साथ जो कनेक्शन होगा, तो ये हमारे पास जो है तो ये वाईफाई पे बेस कर रहे हैं। थ्रू वाईफाई हम लोग अपने ऊपर वाले फ्लोर के ये घर में जितने भी बल्ब हैं उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट है इसमें हमारे पास सेंसर यूज हुआ है, हम लोग जब क्लैप करते हैं तो हमारे पास ये डिटेक्ट करते हैं साउंड और हमारे पास लाइट ऑन ऑफ होती है। इसमें हमारे पास जो वाईफाई है उसमें हम लोगों ने वाईफाई का जो आईपैड यूज किया है, हमारे पास ये आप देख सकते हैं, इसमें हम लोगों ने दो बल्ब दिए, तो दो स्विचेस हम लोगों ने दिए ना। अगर इसको हम लोग ऑन करते हैं तो ये हमारे पास ऑन होते हैं, ऑफ करो तो ऑफ होता है। बिल्कुल, ऐसे होता है ना कुछ लोग डिसेबल होते हैं वो लोग यूज नहीं कर सकते ना, तो हम लोगों ने उनके लिए स्पेशल किया हुआ है कि हम लोग इजीली बैठ के दूसरे जो है ना। थैंक यू। अच्छा, ये तो हो गया डिसेबल लोगों के लिए ना, लेकिन ये जो है कोई डिसेबल लोग हो सकते हैं जिनके तो हाथ वगैरह भी नहीं होते, जो नहीं, तो इसको जो है थ्रू सेंसर हमने इसको कनेक्ट किया, इसमें वाईफाई मॉड्यूल नहीं यूज हुआ, थ्रू सेंसर जो है हम लोग इसको साउंड के जरिए ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप अपनी मर्जी से साउंड दे सकते, चाहे वो क्लिप हो, चुटकी हो, थ्रू सॉन्ग हो, थ्रू एनी साउंड, आप जो है इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। छोटा प्रोजेक्ट नए जस्ट प्रेजेंट करने के लिए, तो हम लोग जब इसे बड़ी बेसिस पे करेंगे तो इंशाल्लाह ज्यादा चीजें ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच।